नमस्ते जी, नमस्ते 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 नमस्ते। चलो काम की बात पे आते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि आप कितने पैसे कमाते हैं? बस जितना आपका बेटा 2 महीने में कमाता है उतना मेरा कुत्ता 2 दिन का खाना खाता है। है घर, है पैसा, है गाड़ी, आप 2 जोड़ों में लड़का भेजो, हुई बात पक्की हमारी। सुसर जी ठीक है। हेलो, हाय आदाब। बड़ा हरामी हो बेटा। इंडिया से अगर आपके लिए कोई रिश्ता आए तो आप हाँ कर देंगी? हाँ, रिश्ता तो आए, मैं कहती हूँ आए। को इंडिया से कोई रिश्ता विश्ता आए तो कर लेंगी शादी? आई एम रेडी। मुझे वैसे भी पिया के घर जाना है। मुझे इंडिया से एज इन कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उसकी बड़ी सारी जगह पसंद है, वहाँ की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अरे जनाब, हमारे साथ टिकटॉकर किरण खान मौजूद है, इनसे पूछती है। ऑफ कोर्स मुझे शाहरुख बहुत ज्यादा पसंद है, सो अगर काश शाहरुख के साथ हो जाती, बट वेल शाहरुख जैसा ही कोई हो। अच्छा सा तो कर लेंगी? अच्छा सा आएगा तो जरूर करूँगी। जरूर कर लेंगी? और अच्छा जब जी हाँ कर लूंगी। कर लेंगी जी, बगैर किसी शर्ट के? शर्ट होगी एक। वो क्या? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ये तो सब आप जानते भी हैं और मानते भी हैं कि पाकिस्तान में लड़कियां सुंदर काफ़ी ज़्यादा, और हमको तो ज़्यादा सुंदर लगती है। कहते हैं ना कि दूर के दौल ठुराने होते हैं, हमसे दूर है तो हमको ज़्यादा सुंदर लगती है, और पाकिस्तानियों को इधर इंडियन लड़कियां सुंदर लगती है। तो इन पाकिस्तानी सुंदरियों के भारत के लौंडों के प्रति क्या रिएक्शन है, तो इसका लेते हैं आज हम आनंद। तो इस आनंद का मज़ा आप भी लीजिए, मैं भी लेता हूँ, और मैं मिलूँगा आपको लास्ट में। वेल जनाब, आज हम यही क्वेश्चन लेके आए हैं। हम अपनी पाकिस्तानी आवाम से ये पूछेंगे कि अगर उनको इंडिया में किसी से शादी करने का मौका मिले तो क्या वो करेंगे, और अगर करेंगे तो कहाँ पर रहना पसंद करेंगे। तो आइए उनसे पूछते हैं। वजीहा। अच्छा वजीहा, क्या करती हो? कुछ भी नहीं, वेल रही हूँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं करती। वेली लड़कियाँ घर में बैठी हुई माओं को बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं, तो रिश्ते विश्ते नहीं आ रहे हैं? रिश्ते आ रहे हैं, वेली तो पसंद आती हैं उनको, काम वाली तो पसंद नहीं आती ना। दुरुस्त हो गया। तो आप के शादी के क्या प्लानिंग्स हैं? शादी का बड़ा शौक है, अभी रास्ते में यही बात करती, शादी तो बस जल्दी से कर लेनी है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इंडिया से अगर आपके लिए कोई रिश्ता आए तो आप हाँ कर देंगी? हाँ, रिश्ता तो आए, मैं कहती हूँ आए। कब आएगा? जब आएगा तो फिर हाँ भी कर देंगे। नहीं मतलब स्पेसिफिकली इंडिया से रिश्ता आ रहा है और आपने ब्याह के इंडिया जाना है, तो आपके आपको मंजूर है? नहीं, इंडिया वाले मुझे क्यों रिश्ता देंगे, वहाँ इंडिया की लड़कियाँ मर गई हैं। नहीं मतलब मरी तो नहीं है, लेकिन आप खूबसूरत है ना, जरूरी थोड़ी है कि आपने इंडिया वालों ने इंडिया में शादी करनी है, पाकिस्तान वालों ने पाकिस्तान में करनी है। दूर दराज के इलाकों में भी तो शादियाँ हो जाती है ना, तो 2 मुल्कों में भी हो सकती हैं। हाँ मतलब आप चाहती हैं कि पीस आना चाहिए पाकिस्तान। हाँ मतलब ये हो सकता है कि हम वजीहा को भेज के वहाँ पे यू नो हम कहें कि ये अमन का निशान हम आपको भेज रहे हैं, अब जो है ना हमें दोनों तरफ शांति चाहिए। हाँ, अब बहुत अच्छा लड़का होगा, मुझे बहुत पसंद आएगा, मेरे घर वालों को पसंद आएगा, तो मैं कर लूँगी। इंडिया से क्या, चाइना से, अफगानिस्तान से, जहाँ से भी हो, मैं कर लूँगी। इंडिया से कर लेंगी? हाँ बिल्कुल कर लूँगी। फिर आपको इंडिया जाना पड़ेगा, चली जाएंगी? हाँ चली जाऊँगी, तो इसमें क्या, कोई इशू ही नहीं है। इंडिया अच्छा है यार, विराट कोहली भी है वहाँ पे। लेकिन शादीशुदा है तो कोई बात, मैंने कौन सा गलत नज़र से कहा, मैंने वैसे कहा विराट कोहली है वहाँ पे, मेरे तो भाइयों की तरह भाई। सर बाबा, अगर आपको इंडिया से कोई रिश्ता विश्ता आए तो कर लेंगी शादी? आई एम रेडी। मुझे वैसे भी पिया के घर जाना है। अच्छा, उस पिया के लिए कोई शर्त होनी चाहिए कि तब आप उसके घर जाएंगी या वैसे ही चली जाएंगी? खूबसूरत हो, वेल सेटल्ड हो, और मेरी तरह छिछोरा हो। छिछोरा प्लस छिछोरी, या तभी तो जोड़ी कमाल की बनेगी ना। दरअसल हो गया, मुझे ये बताइएगा कि ये शादी चले हो गई, छिछोरा भी मिल गया, वेल सेटल्ड भी मिल गया, अच्छा भी मिल गया, मज़े का भी मिल गया, तो उसके बाद जब आप दोनों आपस में यू नो शादी वादी करके सेटल कहाँ पे होना चाहोगे, पाकिस्तान में या इंडिया में या किसी और तीसरी कंट्री को प्रेफर करोगे? यार आई वांट टू गो कोरिया। द BTS फैन। ओके, तो आप कोरिया जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। अच्छा चलो, इन केस चलो हम इमेजिन कर लेते हैं कि आपका जो बंदा है वो कोरिया नहीं जाना चाहता है, अब आपको पाकिस्तान या इंडिया में से किसी एक जगह पे रहना, तो कहाँ रहेंगे? पाकिस्तान। घर जमाई बना लेंगे? यस। यार घर जमाई मतलब इज्जत नहीं है, माजी देखें क्या कह रही है, घर जमाई यार ना, तो बस छिछोरा छिछोरी मिलेंगे तो फिर घर जमाई जो माननी पड़ेगी ना बात।
तो छिछोरी को छिछोरी की भी तो माननी पड़ेगी। कभी इंडिया ये सीन होगा ना, अब एक ही जगह थोड़ी ना स्टे करेंगे, मतलब दोनों तरफ उछल के इधर उछल के उधर। हाँ बस ये गया। और कुछ कहना चाहोगी अपने होने वाले बंदे को? मिल तो जाए पहले यार, मतलब हो सकता है कुछ कह दो, हो सकता है आपके कहने पे मिल जाए। या इंतजार करें, जल्दी आ जाओ बस। बात होती है, जैसे आपने बताया भी आप टॉपर हैं और घर वाले पढ़ाई को तो लेकर नहीं इतना चलते, तो सलीका शुआरी पे बात शायद करते हैं कि कहते हैं कि बस ठीक है। एक्चुअली आई एम लिविंग इन हॉस्टल, सो मुझे कुछ भी नहीं आता है घर के। तो अपना भाई बंधु मिल गया यार हमें। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि अगर आपको इंडिया से हजरत पार से अगर आपको रिश्ते की ऑफर आए तो आप उसको कबूल कर लोगे? सबसे पहले तो रिलीजन, ठीक है, अलसी के अगर वो मुसलमान है तो तेरी क्या औकात है, और अंडरस्टैंडिंग अगर हो जाए तो देट विल बी फाइन फॉर मी। इंडिया क्या दूसरा प्लेनेट तो नहीं है ना, मार्स तो नहीं है ना। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं से भी मुस्लिम हो बस चलेगा, दौड़ेगा। लेकिन हम स्पेसिफिकली इंडिया का पूछ रहे हैं भाई। मुझे इंडिया से एज इन कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उसकी बड़ी सारी जगह पसंद है, वहाँ की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, वहाँ पर अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं पढ़े लिखे लोगों के लिए, और वहाँ पर बस फ्रीडम नहीं है मुस्लिम्स वगैरह को, थोड़ा सा वो है। चल झूठा। तो अदरवाइज मुझे कोई इशू नहीं होगा, मैं रह लूँगी। शादी भी हो गई, अब मुझे ये बताइए रहेंगी कहाँ पे? एक्सपोज कर रही मेरी लाइफ को, रहूँगी कहाँ। मेरा वैसे प्लान है, मैंने ट्राई कर रही हूँ बाहर जाने के लिए हायर स्टडीज़ के लिए, तो उसको लेके जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी उसको पीछे पीछे ऑस्ट्रेलिया मोस्ट प्रॉब्ली। हमारे पास एक इंतहाई खूबसूरत लड़की हैं जो कि बहुत पढ़ी लिखी भी हैं, अंग्रेज़ी भी अच्छी बोलती हैं, शुस्ता उर्दू से भी वाकिफ़ हैं, तो अगर आप देख रहे हैं आपको लड़की है भी बड़ी प्यारी, तो थैंक यू। तो अगर आपको ये लड़की पसंद आई है तो आप रابطہ कर सकते हैं वैसे, और हायर स्टडीज़ के लिए बाहर भी जाना चाह रही हैं आप भी साथ जा सकते हैं, तो मज़े हैं भाई। हम किसी और से पूछते हैं, मज़ीद पूछते हैं कि कौन किससे शादी करना चाहता है। ओके okay. अरे जनाब हमारे साथ टिकटॉकर किरण खान मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि अगर इनको मौका मिले किसी इंडियन से शादी करने का तो क्या वो करेंगी? हेलो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। यस ऑफ कोर्स, मुझे शाहरुख बहुत ज़्यादा पसंद है, सो अगर काश शाहरुख के साथ हो जाती, बट वेल शाहरुख जैसा ही कोई हो। शाहरुख जैसा ही कोई हो, मतलब उन जैसा दिखता हो? सेम लाइक शाहरुख, बिल्कुल सेम। ओरिजिनल मिल जाए तो मतलब क्या ही बात है, लेकिन कॉपी से भी काम चला लेंगे। अच्छा तो मतलब उसको क्या क्या आपकी विशेष फुलफिल करना पड़ेंगी, या कौन सी शराइत है ऐसी जो आप वो पूरा करेगा तो फिर आप फॉर श्योर शादी कर लेंगी? नहीं, एज इट इज कुछ नहीं, इतनी डिमांडिंग नहीं हूँ मैं, बट बंदा जो होना चाहिए केयरिंग एंड लविंग होना चाहिए, और क्या चाहिए, मन्नत जैसा घर नहीं चाहिए। हाँ ऑफ कोर्स, बड़े सपने तो सभी देखते हैं, बाकी जो अल्लाह की मर्जी, जो अल्लाह को मंजूर। दरअसल लग गया, शादी के बाद कहाँ पे रहेंगी, यहाँ पर पाकिस्तान में, इंडिया में, या किसी तीसरे मुल्क में? नहीं ऑफ कोर्स, आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान के अलावा मुझे कोई सिटी कंट्री कुछ भी पसंद नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान। लेकिन घर दामाद? स्पेशली मुझे लाहौर, पाकिस्तान में लाहौर, और लाहौर के अलावा कोई जगह पसंद। लेकिन अगर घर दामाद बना लेंगी तो आपके बंदे को अच्छे खासे ताने सुनने को मिलेंगे, यार ऐसा तो ना करें। ऑफ कोर्स उसके साथ ऐसा नहीं करूंगी मैं, लेकिन ऑफ कोर्स बात होगी पहले, कॉम्प्रोमाइज अगर वो कर सकता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। नहीं, पाकिस्तान जैसा कोई सिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा दुरुस्त हो गया। अच्छा सा तो कर लेंगी? अच्छा सा आएगा तो जरूर करूंगी, जरूर कर लेंगी। और अच्छा जब रिश्ता पक्का हो गया, शादी भी होगी, तो उसके बाद आप कहाँ पे रुकेंगी, पाकिस्तान में या इंडिया में? मैं 6 महीने इंडिया, 6 महीने पाकिस्तान। अच्छा मतलब वो वाला सीन तो नहीं है ना कि घर दामाद बना के यहीं पे ले आना है? यार देखो, किसी के बेटे को घर दामाद बनाना तो बुरी बात है ना, तो फिर वो तो हमारे पड़ोसी हैं, तो हम लोगों को जब उन्होंने इजाज़त दी हुई है कि आप आ जा सकते हैं, तो फिर क्यों हम प्रॉब्लम क्रिएट करें? और फिर वो तो आपके बंदे हो जाएंगे, आपके हस्बैंड हो जाएंगे, उनकी तो फिर इज्जत है, इनकी इज्जत। हाँ इनकी इज्जत, उनकी इज्जत जो है वो हमारी इज्जत है, तो इसलिए फिर इज्जत तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि चले आप इंडिया भी चलेगी 6 माह के लिए, यहाँ पे होंगी तो कहाँ पे रहेंगी? तो लाहौर में ही? हाँ लाहौर में। और अगर वहाँ चले जाएंगे तो कहाँ पे रहेंगी? मैं बॉम्बे। बॉम्बे क्यों भला? क्योंकि वहाँ पे सारे बड़े बड़े लोग रहते हैं, तो फिर हम कोई छोटे लोग हैं, हम भी बॉम्बे ही रहेंगे। ऐसा क्यों भला? देखो नूरजहाँ की वजह से जो है इंडिया पाकिस्तान की, उनके गाने की वजह से इंडिया पाकिस्तान की जंग रुकी थी ना, तो फिर आजकल भी जंग का समय है ना, तो फिर मेरी वजह से भी जो है जब अगर उधर चली जाऊंगी तो शायद जंग रुक जाए, तो फिर मेरा भी कल को नाम होगा ना, कि जुलेखा नासिर की वजह से जंग जो है वो रुक गई है।
तो यानी आप जंग रोकने के लिए बकायदा अमन की फाख्ता बन के शादी करने वाली हैं? फाख्ता बन के उड़ उड़ के जाऊंगी मैं वहाँ पे, उड़ के वहाँ कभी घोंसला बनाएंगी और फिर वापस आके कभी यहाँ पर घोंसला बनाएंगी। घोंसले ही घोंसले होंगे फिर चारों तरफ ज़ुलैखा नासिर। जी हाँ कर लूंगी। कर लेंगी जी बगैर किसी शर्त के? शर्त होगी एक। वो क्या? वो यही होगी कि लड़का जो सा दिल का अच्छा होना चाहिए और इज्जत करने वाला हो। कैसे पता चलेगा कि कोई दिल का अच्छा है? जो इंसान आपकी केयर करता है, आपसे कोई लालच नहीं होता, वो दिल का अच्छा होता है। अच्छा जी पक्का? हाँ जी। ये भी कैसे पता चले दिल से केयर कर रहा है या ऊपर ऊपर से? इंसान जब टाइम स्पेंड करता है तो उसे पता चल जाता है लड़के की हर चीज़ का। अच्छा मतलब रिश्ता आएगा फिर आप उसके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारेंगी फिर आप उसके उससे शादी करेंगी? आजकल के जनरेशन में ये अलाउ करता है कि मतलब थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। दुरुस्त है। अच्छा मुझे यही बताएं, शादी हो जाती है, चले लड़का दिल का अच्छा निकल आता है, आपको पसंद भी आ जाता है, शादी हो जाती है, तो कहाँ पे रहेंगी? यहाँ पाकिस्तान में, इंडिया में या किसी और मुल्क में? पाकिस्तान में रहूंगी क्योंकि पाकिस्तान बेहतर है। अरे भाई इधर हमारी पैदाइश उधर है तो इधर ही रहूंगी ना। पर शादी करके तो लड़की अपने ससुराल जाती है ना, ससुराल तो आपका इंडिया में होगा। इंडिया मुझे नहीं पसंद, मुझे पाकिस्तान ही पसंद है। अरे भाई फिर ऐसे कैसे होता है? ऐसे तो नहीं चलेगा ना, फिर तो वो घर दमाद बन जाएगा, उसको बातें आप सुनवाएंगी, लोग उसको बातें सुनाएंगी, ताने मारेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं ऐसा तो नहीं होता। ऐसा नहीं होता। हाँ ऐसा नहीं होता, बट अगर लड़का प्यार करता होगा तो आ जाएगा, अगर नहीं करता होगा तो फिर मुझे उधर जाना पड़ेगा, फिर चली जाएंगी। हाँ जी चल जाऊंगी। यार ये लड़की कितनी मासूम है, ये तो सारी बातें मान लेती है। दुरुस्त हो गया से किसी रिश्ते विश्ते की तो शादी कर लेंगे? ला करनी इंडियन लड़की से शादी या इंडियन मूवीज देख देख के इतना माइंड बन गया हुआ है, मैं तो घर वालों को कहा है बट वीजा नहीं मेरा, क्या करूं अब? लड़की पसंद कर ली है? लड़की पसंद नहीं की। हाँ। बट ये पसंद है मुझे, वो इंडियन फिल्मों में देखते हैं ना काफी प्यारी होती हैं, पाकिस्तानी मुझे नहीं लगती इतनी प्यारी, आप अपने आप को देख लें। मैं भी तो इनको देख रही हूँ, मुझे भी तो नहीं प्यारे लग रहे, लेकिन गुजारा तो करना पड़ता है। सवाल पूछते हैं, पाकिस्तानी लड़कियां शादी करने से पहले भी सबसे पहले ये देखती है कि मुसलमान है या नहीं है, लेकिन हमारे देश की जो हिंदू लड़कियां हैं वो कभी भी ये नहीं सोचती है कि सामने वाला कौन है कौन नहीं है। पॉइंट नोटेड मिलोड। दूसरा ये पाकिस्तानी लड़कियों ने जो अपनी ख्वाहिशें बताई कि पैसे वाला हो, रिच हो, स्मार्ट हो, और ये तो दुनिया की हर लड़की की ख्वाहिश होती है, तो इस बात के लिए मैं आपको तंकीद नहीं करूँगा ना आप लोग कहेंगे। इन पाकिस्तानी सुंदरियों के बारे में आपके जो भी विचार है आप कमेंट बॉक्स में उतार दीजिए, उतार ही दीजिए, लेके जाओगे क्या क्या करोगे, ले जाके सड़ जाएंगे, तो इन विचारों को यही रख जाओ। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही देंगे, आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए ऐसे मजेदार वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जै श्री राम।